हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। ये बाकी क्वेश्चन से अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये जो x वाला पार्ट है इसको उठा के हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, ठीक है, बाकी को उधर ही छोड़ देंगे। ये क्या हो गया, 1 अपॉन 2a + b + 2x, ये उठ के इधर आ जाएगा, -1 अपॉन 2x = 1 अपॉन 2a + 1 अपॉन b। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2x आ जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस ये पूरा इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2a + b + 2x upon 2a + b + 2x into 2x, और यहाँ पे b + 2a upon 2ab, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2ab, और ये b इधर चला गया, ये 2a इधर चला गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2a - b - 2x upon, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 2x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x into 2a, ये हो गया 4ax, 2x into b, ये हो गया 2bx, और 2x into 2x, ये हो गया 4x² = ये लिखा हुआ है 2a + b upon 2ab, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 2x - 2x कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया -2a - b, तो अगर हम दोनों में माइनस कॉमन निकाल के लिख लें तो ये बन जाएगा 2a + b, और डिनोमिनेटर में है ये पूरा 4x² + 2bx + 4ax = 2a + b upon 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 2ab यहाँ भी है, तो दोनों तरफ से हम कैंसिल कर देंगे इसको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2ab उठ के इधर आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2ab यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा -2ab = ये पूरा उठ के इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 4x² + 2bx + 4ax। 2 पूरे में कॉमन दिखाई दे रहा है, चाहे पहले एक तरफ कर लेते हैं सबको, 4x² + 2bx + 4ax, ये उठ के उधर चला गया, तो +2ab = 0। 2 पूरे में कॉमन आ रहा है तो 2 हटा देते हैं पूरे में से कॉमन निकाल के, तो ये बच जाएगा 2x² + bx + 2ax + ab = 0। 2 हट गया तो बच गया 2x² + bx + 2ax + ab = 0, ठीक है। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये दोनों x का कोएफिशिएंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x² + b + 2a को एक साथ ले लें, और x + ab = 0, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, रीअरेंज करते 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 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुँच गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा टारगेट है x का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं जनरली, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो वापस से फिर से यही टर्म आ जाएगा, 2x² + bx + 2ax + ab = 0। तो अब हम इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ x कॉमन आ गया तो बच गया 2x + b, और यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ a कॉमन आ गया तो बच गया 2x + b = 0। तो 2x + b आ गया एक ब्रैकेट में, और x + a आ गया एक ब्रैकेट में, तो फिर ये हो जाएगा 2x + b = 0 और x + a = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -b/2, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया -a। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन, x का वैल्यू आया -b/2 और x = -a, ठीक है।